हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। आज एकदम सुबह सुबह उठना पड़ा है। रेयन जो है सबसे पहले जाग गया था, तो उसने जो है मुझे जगा दिया। कल में रात तक पूरा 1 बजे तक जो है वो सो नहीं पाई थी, थोड़ा टाइम लग गया था, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पूरा जैसे तैसे करके जो है सो पाई। फिर उसके बाद जो है मैं 3 बजे को जाग गई, तो रेयन के साथ साथ जो है उठना पड़ा है मुझे। तो मैंने सबसे पहले उठने के साथ घर की साफ सफाई कर दिया है और थाली बर्तन वॉश कर दिया और रेयन का बाटी टावल वगैरह वो सब वॉश कर दिया। तो अभी थोड़ा फ्रेश अप होके क्रीम स्रीम लगा के आई हूँ। तो अभी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है अभी, हल्की हल्की करके यहाँ में गिर रही है। सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा दिया था, जब सुबह सुबह हो रहा था ना उस टाइम पे। और उधर में देखो रेयन क्या कर रहा है, सुबह सुबह उसको जो है घुमाना पड़ता है। पता नहीं ये खराब वाली आदत कैसे लग गया उसको। आज मंडे है तो धूप देने से मैं शायद मार्केट पे जाऊंगी, क्योंकि कल हम लोग जो नमसा गए थे ना, तो मैं इतना हर बारे में भूल गई थी। हम लोग जो आते आते रात भी हो गया था, तो इतना भूल गई थी। मानवी के लिए जो है उतना सुंदर वाला टॉप नहीं मिला था, तो मुझे जो है थोड़ा सा एकदम जो प्योर कॉटन का होता है ना, सफ़ेद वाला करके जो मिलता है, थोड़ा डिज़ाइन टाइप का, बटरफ्लाई टाइप का, तो वैसा टॉप जो है उसके लिए एक खरीदूंगी, क्योंकि एक ड्रेस देना पड़ेगा। अभी पेन जो है कल ला दिया है, पेन तो बहुत ही बढ़िया है। तो मानवी के लिए फिर से एक और टॉप जो है मैं मंडे मार्केट में देखने के लिए जाऊंगी, अगर टाइम मिलता है तो। तो सबसे पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, खा के जो है देखती हूँ। और आज मेरा पति भी आने वाला है, पता नहीं उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है, उसके लिए खाना वगैरह रखना पड़ेगा कि नहीं, तो जैसे कल करेगा वो लोग के लिए जो है खाना पकाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम तीनों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ मैं। यहाँ जो है चावल भी चढ़ा दिया है, और इसमें कल का चावल जो है इतना बच गया, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ अभी अभी मैंने जो है लाव के साग तोड़ के लेके आई हूँ, ये देखो इतना फ्रेश है ना, तो अभी इसको जो है सफ़ा करना पड़ेगा। और दीदी जो है एक अलग सब्जी पका रही है। और इधर में जो है हारमोचा पूरा ख़राब हो रहा है, तो मैं 10 रुपया में ये खरीद के लेके आई थी, इसे भी खाएंगे। और लम्बो आ रहा है, तो उसको जो है साग और मिर्च का चटनी रेडी करके रखना पड़ेगा, वो बहुत खाता है। हम लोग जो है कहीं भी अगर जाते ना, रिटर्न घर आएंगे, तो साग और मिर्च का चटनी चाहिए होता है। तो बस अभी इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मम्मी पूरा साग को अच्छे से सफा कर दिया है, ये देखो इतना ज़्यादा निकल आता है ना छिलका, यहाँ में भी है। और दीदी यहाँ पे सब्जी पका रही है। रेयन को जो है मैंने दूध पिला के फिर से इधर पे इसका झूला पे रख दिया है, ये देखो पूरा। ये अपना दादी को जो है डिस्टर्ब किया था खड़ा होने के लिए, घूमने के लिए, पूरा रोता है। पहले मम्मी ने झूला पर रखी थी, पूरा चिल्ला चिल्ला के रोया। और हमारे रूम जो है बहुत छोटा है, इसलिए टेडी बियर सब जो है ये हमें निकालना पड़ा। और एक तो है उसको जो है बस जैसे तैसे करके वो वहाँ तक तक वहाँ में रख गया, पूरा धूल वूल लग गया। इसको जो है यहाँ में रखना पड़ेगा, रूम बहुत छोटा है ना हम लोग का। अभी रेयन यहाँ में आराम से सोएगा, मैं जो अभी दीदी को हेल्प करती हूँ। साग के साथ मिर्च का चटनी चाहिए होगा, तो मैं मिर्च का चटनी रेडी करूँगी। और ये वाले चावल को जो है मैं थोड़ा गर्म करूँगी। अभी जो है दोस्तों ये वाला जो साग है, ये हम लोग कहते हैं हारमोचा, तो इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। इसका डंडा वगैरह मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसको मैं अभी पकाऊँगी यहाँ पे। इसमें जो है मैंने दे दिया है फर्मेंटेड फिश और नमक और मिर्च थोड़ा सा। अभी ये पानी जो है ठीक से उबलने के बाद हम इसमें दे देंगे साग को। साग को जो एकदम ड्राई करके दे दूंगी, मैंने जो पानी कम दिया था अभी थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो इसको ठीक से उबलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मैं चावल को गर्म कर रही हूँ, थोड़ा तेल देके और नमक देके। हम लोग पुलाव चेबात कहते हैं, पुलाव को चेबात। कभी कभार ना आप लोग को मैं अपना लैंग्वेज से भी सिखाऊंगी, अपना लैंग्वेज में भी बोलते हैं हम ऐसे कुछ कुछ, इधर आओ इधर आए, ये सब बहुत बोलते हैं। अभी इसको ये कल लेके आई थी चम्मच, ये वाला बहुत ही अच्छा है। मम्मी को तो उतना पसंद नहीं आया, इसमें जो है गंदगी वगैरह घुसता है बोला मम्मी ने, तो मुझे पसंद आया, तो कोई नहीं। और एक तो वाला ये जो चावल लेते हैं, ये वाला भी बहुत ही अच्छा है। कल हमने जो है अच्छे से वॉश करके इसी से खाना लिया था, इतना हल्का फुल्का है ना पतला, ये वाला थोड़ा मोटा है। ये वाला ऐसा एक पता नहीं किसने गायब कर दिया, एक बार अंजिका
ताली बर्तन वॉश किया था उस टाइम से लेकर अभी तक नहीं मिला, शायद वो पानी के साथ ने फेंक दिया होगा। इसको अभी यहाँ में थोड़ा संबद संबद करके देते हैं। वाओ फाइनली धूप निकल आ गया, या जिंदाबाद। आज कपड़ा मजे से सूखेगा, ये देखो इधर में देखिए ना इतना गीला गीला है ना, यहाँ में पूरा पानी पानी, उधर में भी सबसे ज्यादा यहाँ में तो एक बार में स्लिप हो गई थी पूरा एकदम, इस साइड का पेन हो गया था मेरा उसी टाइम से लेकर, मेरा अभी भी पूरा कभी कभार ऐसे में झुकने से अचानक से खड़े हो जाऊंगी तो पूरा पेन होती है। अभी भगवान अच्छे से धूप निकल आया, कपड़ा वगैरह एकदम मस्त करके सुखाऊंगी। और इसमें जो है मैंने सुबह सुबह वॉश किया था, ये भी सुखाना पड़ेगा, उधर में भी है वो सब सुखाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है अभी दीदी ने लाइच लौकी के साग को जो है वॉश कर दिया है, इसको जो है हम लोग फर्मेंटेड फिश देके पकाना है या प्याज देके कैसे पकाए, फर्मेंटेड फिश देने से ठीक होगा मेरे हिसाब से। हाँ क्योंकि सिंपल बॉयल हम लोग का लोकल स्टाइल। अभी ये लौका साग को पकाने के लिए जो है इसमें मैंने दो फर्मेंटेड फिश और प्याज, अभी मैं इसमें नमक दूंगी तो सिंपल सब बॉयल करेंगे। और यहाँ पे हर मोर्चा देखो एकदम ड्राई करके जो है इसको पकाना है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। चावल अभी तक हुआ नहीं, थोड़ा सा संबद संबद करेंगे। तो अभी जो पहले सब्जी दीदी ने पकाई थी उसी से जो है मैं हम लोग का घर का मंदिर पे खाना देती हूँ। खाना वगैरह जो है दीदी ने निकाल दिया है तो अभी खाना खा लेते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, नहाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले चावल सफ़ा करेंगे, मैंने जो है उधर में कपड़ा सूखने के लिए दे दिया है और इधर में बच्चित को, क्योंकि धूप अभी अच्छे से निकल रहा है ना तो कब को बारिश देता है वो तो पता नहीं चलेगा, इसलिए जो है धूप देते देते टाइम में मैं कपड़े को जल्दी सुखा लेती हूँ, हल्का हल्का सूख जाएगा। और देखने में यहाँ में ये जाग गया, फिर भी मैं खाना खाऊंगी क्योंकि बहुत भूख लग रही है, कल भी जल्दी जल्दी हम लोग डिनर करके सो गए थे तो अभी मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, प्याज भी लग गया। चलो ये देखिए कल जो थाली लेके आई थी ना वहाँ से जो है मैं एक तो यूज़ कर रही हूँ और वो वाला मेहमानों के लिए, और यहाँ पे दीदी ने मुझे लौकी के साग और हरमोचाक भी दे दिया तो अभी इसी के साथ खा लेती हूँ, सबसे पहले इसको खाऊंगी। चलो ये वाला भी बहुत बढ़िया है, ये साग बहुत अच्छा लगता है मुझे, हरमोचाक। खाना वगैरह भी खा लिया है दोस्तों, अभी जो है मैं चावल सफ़ा करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं नहा के थोड़ा ड्रेस करूंगी। और यहाँ रेयन जो है पता नहीं क्या हो गया, ये देखो वाह पूरा खुश वाह, किससे खेल रहा है पता नहीं, शायद यहाँ में पंखा चल रहा है ना तो इसी से होगा। क्या हो गया दादी के पास रहो, हाँ हम चावल से पकड़ेगा, हाँ रहो आराम से रहो, होगा ना देखो ना इसका स्माइल इतना कंजूस से दे रहा है, होगा हम चावल से पकड़ेगा, खेलो देखते रहेगा, ये तो देखते रहेगा, खेलो होगा पूरा देख रहा है। अभी जो है मैं यहाँ पे चावल को निकाल दिया, इसको सफ़ा कर लेती हूँ। और जो हम लोग ये इसको हम हुलो कहते हैं, ऐसा वाला खरीदना पड़ेगा, ये वाला पूरा ख़राब हो रहा है। हम दोनों बहनों ने अच्छे से चावल को सफ़ा कर दिया, अभी उसको जो है रख दिया है, फिर से जो है और एक लोकल लाही चावल है उसे जो है लाना पड़ेगा एक बोरा, तो देखते हैं रास्ता बहुत ख़राब है तो चावल बिकने से ही वो ख़राब हो जाएगा। अभी धूप देने से लेके आएंगे, पहले धूप दिया था अभी
फिर से मौसम धुंधला करके रखा हुआ है। रेवन मम्मी के पास में है तो अभी रेवन को नहलाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी को गर्म कर रही हूँ। हो गया, इतना कमर दर्द दे रहा है, चावल सफा करने में ना बहुत टाइम लगता है। अभी रेवन को भी मैंने नहला दिया, नहलाने के बाद जो है इसको दूध पिला के थोड़ा क्रीम श्रीम लगा के जो है इसे फिर से सुला दिया। ये देखो अभी मजा से सो रहा है यहाँ पे, और लम्बू जो है वो 12 बजे को पहुँचेगा बोला था। अभी मैं जो नहा के आ जाती हूँ दोस्तों, पूरा गर्म लग रहा है मुझे भी, और कपड़ा बाहर में दिया था सूखने के लिए, ये वाला गीला है, ये वाला जो है सूख गया, तो इसको जो है सब अपने अपने जगह पे रखूँगी। बस इसमें थोड़ा कम है, इसको मैं थोड़ा घर का ऊपर में दे देती हूँ। मेरा पहनने वाला ये जो नीचे में पहनती हूँ वो सब जो है उधर आंगन पे दे दूँगी। बस ये वाला रेवन का, इसको जो है बालकनी पे देके आती हूँ। मैंने जो है नहा लिया है दोस्तों, जो भी कपड़ा वगैरह गंदा था उसे जो है वॉश कर दिया और वहाँ आंगन का वहाँ में दे दिया है। अभी धूप भी नहीं दे रहा है, ये देखो पूरा बादल जो एकदम काला काला कर दिया, फिर से बारिश आएगा। और लम्बो जो है अभी तक पहुँचा ही नहीं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँ। रेवन भी सो रहा है तो मंडी के लिए एक सुंदर वाला टॉप देखूँगी और फ्रूट वगैरह थोड़ा लेके आऊँगी। और सब्जी तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि इतना टाइम हो गया, अभी 12 बज गया है तो सब्जी नहीं मिलेगा, सुबह का टाइम पे मिलता है। जाऊँ या ना जाऊँ पता नहीं, कंफ्यूज हो गई हूँ क्या करूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट पे, इतना हड़बड़ी में आई हूँ ना, मार्केट जो है एकदम लास्ट हो गया। सब्जी वगैरह तो नहीं मिलेगा, फिर भी देख लेती हूँ, लास्ट पे जाना पड़ेगा लास्ट। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ से मिर्च लेके जाऊंगी। ये देखो यहाँ से 1 किलो लेके नहीं जाऊंगी, पूरा ख़राब हो रहा है, थोड़ा अच्छा वाला दे दो, 1.5 किलो लेके जाऊंगी बस। यहाँ दीदी का दुकान पे आई हूँ, मुझे जो है इतना ख़राब लग रहा है ना, मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, जो भी मैंने वो मिर्च लिया था उसका पैसा भी दे नहीं पाया। अभी फिर से दीदी का यहाँ पे जो है मुझे 2000 रुपया पहले वो बाकी था वो भी देना था, अभी वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अभी मैं मानवी के लिए जो है यहाँ पे सिंपल सा टॉप देख रही हूँ, ये देखो दीदी दिखा रही है, अभी नया माल आया ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा कपड़ा तो अच्छा लग रहा है मुझे, ये देखो हाँ वो भी तो ठीक है, ये भी बढ़िया है। ये देखिए अभी मैं यहाँ से जो है फर्मेंटेड फीस लेके जाऊँगी, ज़्यादा नहीं, कितना लेके जाऊँ, 100 का दे दो, हाँ 100 का दीदी का दुकान से। और मार्केट में जो है अचानक से माता चक्कर दिया, पूरा जल्दी जल्दी आ रही हूँ मैं उधर से, अभी जल्दी जाना पड़ेगा घर पे। और मेरा पता नहीं क्या हो गया, नेट एकदम नहीं चल रहा है, ऐसे वाईफाई लेते लेते ना पूरा जहाँ भी जाओ बाहर जाऊँगी तो पूरा नेट नहीं चलता है। जिसको भी मैंने पेमेंट अभी तक कर नहीं पाया, दीदी को भी, उधर का दीदी को, और जो मिर्च खरीदा था वो दीदी को भी दे नहीं पाया, तो अभी घर जाके सब पेमेंट कर दूँगी। अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ दोस्तों, पूरा मेरा माथा जो एकदम चक्कर कर रही है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। मानवी के लिए जीन्स पैंट और ये वाला टॉप लेके आई हूँ मैं, जीन्स जो है कल लेके आई थी और ये टॉप जो है आज, बहुत स्टाइलिश है टॉप। पहुंच गया, वाह, ये बच्चे को जगा देगा, बच्चा को जगा देगा, कौन है ये, जगा देगा तेरा पुत्र अभी। ओ तेरा तेरा आँख में मैं खोल रहा है, देखो देखो भाई, हम भी मार्केट घूम के आए हैं, अभी भी सो रहा है ये। स्वागत है दोस्तों घर पे। जाग गया, देखो ना इसका नींद पूरा हुआ है ना, तो इसलिए स्माइल दे रहा है, अगर नींद पूरा नहीं होने से ये रो देता है। चलो पापा आ गया, तेरा पापा आ गया, पापा आ गया, क्या हो गया, हाँ पापा आ गया, चलो उठ जा, उठ जा, उठो उठो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, स्माइल दे दो, स्माइल दे दो। मैंने जो है अभी अभी यहाँ पे चाउमीन बना दिया है,
तो अभी हम यहाँ पे तीनों मिलवाट के खाएंगे। हम लोग का घर पे बनाने से मुझे टेस्टी नहीं लगता है, मुझे दुकान का ही पसंद है। और कल मैं यहाँ पे ये वाला टमाटो केचप लेके आई थी, अभी यहाँ से दाल डाल के खाएंगे। बहुत भूख लग रही है भगवान, अब इसको टेस्टिंग करते हैं। बहुत ही ज़ोर से भूख लग रही है तो मैं अभी इसको फटाफट से खा लेती हूँ। एकदम बढ़िया है, बड़ा वाला बटर लेके आऊंगी। ये टेस्टिंग के लिए छोटा बटर लेके आया था, बहुत बढ़िया है। लेमन उस दिन खरीद के लेके आया था, वो वाला अच्छा नहीं था, ये वाला मस्त है। बहुत बढ़िया, मम्मी भी अभी खा रही है। चलो बहुत अच्छा है ना। अभी पूरा 3 बज चुका है दोस्तों, हमने जो है चाउमीन वगैरह खाया, रेस्ट किया, बहुत सारे बातें किया है। लेमन पूरा 0 का बातें बोलता गया, इतना बढ़िया है ना 0। और मेरा बच्चा देखो मुंह पे पूरा पानी निकल आ रहा है। अभी जो है हम मानवी के घर जाएंगे, बारिश तो नहीं दे रही है, पहले दिया था थोड़ा थोड़ा। मानवी के लिए जो ड्रेस वगैरह मैंने ला दिया था ना, तो वही पहुँचाने के लिए। पता नहीं इस वक्त शायद मानवी जो है वो ट्यूशन चली गई है क्या, तो शायद लेट हो गया, तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा देखना चाहती थी मैं, तो थोड़ा बाद में देने से हो जाएगा, थोड़ा बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, है ना रेवन। अभी दीदी का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम। चलो अभी थोड़ा सा रेवन को आंगन पर घुमाऊँगी। और ये कल का मैंने जो टॉप लाई थी ना ब्लू वाला, बस यही 200 वाला टॉप लेके आई थी, बाकी कुछ भी नहीं मिला था, मुझे पसंद ही नहीं आता। तो मैं तेजू जाके जो है कुछ कपड़े ले लूँगी, ठंडा टाइम में जो पहनने वाला होगा वही। इसके लिए तो बहुत सारा ले लिया, 3 ड्रेस लिया था इसके लिए। देखो ना वो फिर से लेना है तुमको, फिर से लेना है। हाँ वो इसको फिर से लेना है, देखो फिर से लेना है। देखो ना ये फिर से लेना है। देखा हम लोग का छोटा सा परिवार। एक फोटो खींचो। चलो हाँ वो मैं व्हाइट में दबाऊँ। हाँ बस चलो हो गया। अभी रेवन को जो है मैंने यहाँ पे सुला दिया है, और उसके साथ साथ लेम्बू भी सो गया यहाँ पे, दोनों बाप बेटे सो रहे हैं। ये देखो पूरा दोनों व्हाइट। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, रेवन जो है जग जाएगा। अब मुझे जो है डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी, और लेमो का कपड़ा वगैरह जो है अभी भी बाहर पे है, उसे जो है अभी निकालना पड़ेगा। उसमें मम्मी के लिए भी गिफ्ट भेजा है और रेवन के लिए भी गिफ्ट है। तो ये तो जूता है, ओ बाप रे। इसमें ये देखो, ये रेवन के लिए। मेरा पति तो कपड़ा कैसे करके लेके आया, खत्म कर देगा रे। इसका कितना जर्स है भाई, ये पूरा गीला वाला यहाँ में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मैं एक एक करके सामान वगैरह निकाल रही हूँ रेवन के लिए जो है। पता नहीं किसने दिया ये वाला, ये देखो एक तो प्लक्स है ये, और इसका ये मेकला जो है ये मम्मी के लिए भेजा था, पता नहीं किसने भेजा वो तो मालूम नहीं है, लम्बा अभी तक बताया नहीं। इसका वाला ना मेरे पास भी एक तो सेम टू सेम है, मैंने जो है मार्केट से लिया था, मेरा वाला भी गोड्रेस पर। मुझे भी इसका ब्लू कलर पसंद था, तो देखती हूँ मेरा वाला सेम लग रही है मुझे। यहाँ में मेरा एक तो था, मैंने जो है 1500 में ख़रीदा था। हाँ ये देखो ये वाला मेरा था, सच में सेम लग रही है कलर। वो मेरा थोड़ा सा डार्क है, ये वाला थोड़ा डार्क है क्या, ये एकदम रॉयल ब्लू है मेरा वाला, ये देखो फिर भी सेम लगता है। हम तो सोचा है कि मेरा वाला जैसा है ना, वो मम्मी के लिए भेजा था, पता नहीं किसने भेजा। ये तो मेरा वाला मैंने जो है मार्केट से ख़रीदा था, दीदी का दुकान से, 1500 बोल रही थी, 1700 में ख़रीदा था, बहुत महंगा है यहाँ में। मुझे ना वो वाला पसंद था इसलिए मैंने ख़रीदा था। अभी ये वाला मम्मी के लिए किसने भेजा वो लम्बों से पूछने से मालूम चलेगा। उधर में मैं गई थी कपड़ा देखने के लिए, और ये इधर में जाग गया देखो। पूरा यहाँ पे जो है मैंने फैला के रख दिया है कपड़ा वगैरह,
और ये वाला जो है भाभी ने गिफ्ट किया था रेवन को, ये देखो बस यही याद है। और ये वाला पता नहीं किसने दिया, कौन सा दीदी ने दिया होगा तो ये पूछना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत है ये भी, काफ़ी अच्छा है। अभी तो रेवन जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से पानी पी सकेगा। ये भी एकदम परफेक्ट साइज है, इसमें कितना 18 in by or 24 months। हाँ ये अभी भी आ जाएगा रेवन को, बहुत अच्छा है। इसमें ना फ्रंट ओपन वाला बहुत अच्छा होता है। कल मैं ऐसा वाला ड्रेस ढूंढी थी, कल जो हम लोग स्मार्ट बाज़ार गए थे वहाँ पे, तो बस यही है। और यहाँ पे एक तो ये बेबी प्रोडक्ट क्रीम श्रीम, ये भी लगा सकेगा रेवन, रेवन के लिए तीन तो गिफ्ट है। तो जिसने भी दिया है थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे तो मालूम नहीं है किसने किसने दिया है, बस ये ड्रेस मालूम है, ये ताइशोन की मम्मी ने भेजा था। और मम्मी आ गई, ये देखो आपका निकला, पता नहीं किसने दिया, ले मुझे पूछने से मालूम चलेगा। थैंक यू। थोड़ा पहन के देखो ना, थोड़ा पहन के, मेरा पास भी है, मेरा वाला थोड़ा एकदम ब्लू है, बहुत सुंदर है ना। बहुत सुंदर है, पहन के देखो थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, मम्मी ने जो है यहाँ पे पहन लिया है, पूरा खुश है मम्मी। काफी मैचिंग होता है। कौन भेजा है नाम तो मालूम नहीं है, जो ने भेजाया उसी को थैंक यू नमस्ते। मुझे पूछेंगे किसने भेजा है। और यहाँ जो है अचार का डिब्बा है, पता नहीं क्या अचार होगा, लम्बू से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे दो तो है, एक बीतू लोगों का और एक हम लोगों का, ये देखो। और डिब्बा भी इतना खूबसूरत है ना, पूरा तगड़ा है, स्टील स्टील का है, ये तो प्लास्टिक है, ये स्टील है ढक्कन। अभी मेरा पतलू का कपड़ा सब ठीक करना पड़ेगा, ये सफ़ेद वाला जल्दी गंदा हो जाता है, वो भगवान। देखो आ गया दोनों बाप बेटा। हाँ सोने वाला बच्चा ऐसा होता है क्या, कमेंट करके बताओ, सोने वाला बच्चा अगर ऐसा होता तो। 5 मिनट भी नहीं सोया है ना। ये देखो आंटी ने क्या भेजा है रेवन, रेवन ये देखो। ताइशोन का मम्मी, हाँ ये मुझे मैंने वीडियो में देखा, ओ ये वाला। और ये भी उपा दीदी ने मम्मी के लिए। तो बस सारे कपड़ा वगैरह जो है मैंने निकाल दिया है, जो गीला वाला होगा उसे जो है सुखाना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग जो है दोस्तों ज्यादा लंबा करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा वीडियो शायद हो गया होगा तो जल्दी एडिट करना पड़ेगा। तो आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय सभी को एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।